Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about class 9th गणित की वर्कशीट नंबर 42 और ये आपको मिलेगी 9 अक्टूबर को, ठीक है। इसके अंदर हम करेंगे एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। लंब वृत्तीय का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, सीधी वाला, हाइट वाला, ठीक है। अब हमें बेलन का पता है क्या होता है, तो हमने क्या करना है, बेलन एक ऐसी चीज होती है जिसमें एक वक्र पृष्ठ और दो वृत्ताकार सर्वांगसम फलक होते हैं। ऐसे दो वृत्त होते हैं ऊपर और नीचे, और एक ये ऐसा वक्र फलक जो है वो होता है, ठीक है। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। तो देखिए, क्रियाकलाप हम देखते हैं। क्रियाकलाप में आपने क्या करना है, एक बेलन आकार का डिब्बा लेना है और एक आपने कागज की शीट लेनी है आयतकार, ठीक है, उसकी जिसकी लंबाई L है और उसका जो चौड़ाई जो है वो H के बराबर है। अब लंबाई जो है वो कितनी होनी चाहिए और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो जिसकी चौड़ाई बेलन की ऊंचाई के बराबर हो, यानी कितनी ही हो, H ही हो, और लंबाई ऐसी हो कि डिब्बे के चारों ओर बस एक बार घूम जाए, यानी कि डिब्बे के चारों ओर बस एक सर्कल उसका पूरा आ जाए, ठीक है। सो शीट की लंबाई वृत्तीय आधार पर परिधि के बराबर हो जो 2πr, यदि वृत्तीय आधार की त्रिज्या आर है। तो अब जो लंबाई है वो शीट की कितनी होनी चाहिए, वृत्तीय आधार यानी कि बेस जो होता है इसका, वृत्त है ना, ठीक है, उसकी परिधि के बराबर होनी चाहिए। परिधि का मतलब सर्कमफ्रेंस, जो कितना होता है 2πr, और 2πr जहाँ पे r आपका क्या है, जो वृत्तीय आधार है उसकी त्रिज्या है, ठीक है। तो उसके बाद में आपने क्या करना है, देखो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं बेलन का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वक्र पृष्ठीय का मतलब क्या होता है, जो इसको कवर करता है पूरा, तो कवर किससे किया है, आयतकार शीट से। तो आयतकार शीट क्या होता है, आयतन का क्या होता है, आयत का जो एरिया है हमारे पास, यानी कि क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। पर अब क्या हो गया, जब इसका एक पूरा हमने गोल गोल इसको घुमा दिया, तो अब ये हो गया बेलन के आधार का परिमाप, यानी कि इसका परिमाप, पेरीमीटर जिसको हम बोलते हैं, और ऊंचाई यानी कि 2πr इंटू एच। देखो, एक तो इसकी परिधि, वृत्त की परिधि और वृत्त का परिमाप दोनों एक ही होते हैं, 2πr और 2πr दोनों सेम होते हैं, ठीक है। और h जो है इसकी हाइट यानी कि इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 2πr h, जहाँ पे r त्रिज्या है आधार की, वृत्त की जो आधार है उसकी त्रिज्या, और h क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, देखो ऐसा बेलन है ना, एक तो इसका जो है वो, इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आएगा, बाकी इन दोनों का कुछ क्षेत्रफल आएगा। इसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर, और इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो दो वृत्त हैं तो दो बार पाई आर स्क्वायर इसके अंदर जोड़ दिया, ये ऊपर जो निकाला है इसके अंदर दो बार पाई आर स्क्वायर जोड़ दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कुल जो क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो। अब यहाँ पे देखो, 2πr h प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बन रहा है, तो ये 2πr स्क्वायर हो गया, यानी कि 2πr का वर्ग हो गया। तो 2πr बाहर निकालिए, अंदर बच गया r प्लस h, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस की। उदाहरण जो दिया हुआ है हमें, पहला दिया हुआ है एक बेलन आकार डिब्बे की ऊंचाई आपको दी हुई है, उसकी त्रिज्या आपको दी हुई है, यानी कि आपको h दिया हुआ है, आर आपको दिया हुआ है, आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये रहा फार्मूला, इसके अंदर डाल दो आर और एच की वैल्यू। पाई क्या होता है, पाई हमें जो है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि पाई का जो मान होता है वो हमेशा स्थिर होता है, 22/7 या 3.14, दोनों में से एक आपने डालना होता है। अगर तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि 22/7 पुट करो या 3.14 पुट करो, तो आप वही उसी को आपने पुट करना है। अगर आपको मान लो 22/7 पुट करने को दिया और आप वहाँ पे 3.14 पुट करो, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो या तो क्वेश्चन में दिया तो आप उस वही पुट करोगे, वही मान जो है उसके अंदर रखोगे, अगर नहीं दिया तो आप कुछ भी रख दो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये रखो, क्योंकि पॉइंट वाला, दशमलव वाला, थोड़ा सा डेसिमल वाला, थोड़ा सा सोल्व करना ओखा होता है। तो हमारे पास आ गया 2 × 22/7 × 7 × 7 × 7 + 15 7 + 15 हो गए 22, तो 2 × 22/7 × 7 × 7 × 22, तो जब आपने इनको गुणा किया तो हमारे पास आ गया 968 सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। उसके बाद में उदाहरण नंबर 2 में देखिए, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्रीय आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब वक्रीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि आपको किसका मान दिया हुआ है बेटा, 2πr h आपको दिया हुआ है, किसके बराबर है, 88 के बराबर है, जहाँ पे अब आपको h पता है, 2π आपको पता है,
टू की वैल्यू टू ही रहेगा, पाई क्या होती है 22/7, तो यहाँ पे क्या निकालना है, आधार का व्यास ज्ञात कीजिए या त्रिज्या जिसको बोलते हैं वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ से देखो 2 पता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर हमें पता नहीं है निकालना है, एच हमें 14 दिया हुआ है, और ये जो पूरा है ये किसके बराबर दिया, 88 के बराबर दिया है। तो यहाँ से आर किसके बराबर आ गया, 88 × r/2 × 22 × 14। तो अब देखो इसको इस पे काटोगे 4 बन गया, 4 2 से गया तो 2 बचा, ठीक है, 7 × 2 = 14 और नीचे भी 14, तो 14 से 14 कट के कितना बच गया, 1 सेंटीमीटर। अब बेलन का व्यास क्या आ गया, 2 × 1, यानी कि जो अर्धव्यास होता है, आधार का व्यास ज्ञात करना था, ये त्रिज्या है, त्रिज्या का दुगुना 2r जब होता है, 2r किसके बराबर होता है, d के बराबर, और d क्या होता है, व्यास होता है हमारा, तो 2 × 1 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद में उदाहरण नंबर 3, एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है, ज्ञात कीजिए। पहला तो आंतरिक वक्र क्षेत्रफल जो है, वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, दूसरा जो वो कुआं है, ऐसे कुआं है ना, उस कुएं की अंदर जो है वो पेंट करना है, रंग करना है, उसके ऊपर प्लास्टर करवाना है, और 1 वर्ग मीटर पे जो रंग होता है, प्लास्टर होता है, वो 40 रुपये में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो निकालेंगे, जहाँ पे आपको आर दिया हुआ है और आपको एच दिया हुआ है, ठीक है, एच यानी कि गहराई, उसका एच ही होगा, ठीक है। तो 10 मीटर वो दिया है, आप क्या करो 2πrh लगाओ, इसके अंदर वैल्यू डालो, यानी कि इसका जो भी माप्स हैं वो इकाई जो है वो आपको दी हुई है, वो इसके अंदर पुट कर दो, डाल दो इसके अंदर, आपके पास 110 वर्ग मीटर जो है वो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, वक्र पृष्ठीय। अब 1 मीटर वर्ग को वो 40 रुपये में प्लास्टर करते हैं, हमने करानी है 110 को, तो दोनों साइड 110 से गुणा कर दो, इधर 110 से गुणा किया, इधर भी 110 से गुणा कर दो, तो इधर 110 से गुणा किया तो ये बन गया 110 मीटर का स्क्वायर, और इधर गुणा करोगे तो ये बन गया 4400 यानी कि 4400 रुपये। तो टोटल कितने रुपए लगेंगे, 4400 यानी कि 4400 रुपये, ठीक है। तो प्लास्टर कराने का व्यय कितना आ गया बेटा, 4400 रुपये, क्लियर। उसके बाद में इसके 3 क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं इनको फटाफट से, एक नज़र इनके ऊपर मार लेते हैं और फटाफट से अपनी वर्कशीट को पूरा कर लेते हैं। तो बेटा एक बात मैं आपको शुरू में बता दूं कि आपकी मैथ की यानी कि गणित की जो प्रश्नावली नंबर 13.2 है ना, आज की वर्कशीट के सारे क्वेश्चन उसी के हैं, सारे के सारे क्वेश्चन उसी के हैं। जो पहला क्वेश्चन है ना वो आपकी प्रश्नावली का 6वां क्वेश्चन है, जो दिया हुआ है, एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 वर्ग मीटर है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमने उसकी ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो हल के लिए देखो, माना लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई h मीटर है, हम मान लेते हैं कि उसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, तथा बेलन की त्रिज्या r हमें कितनी दी हुई है, 0.7 मीटर दी हुई है, यानी कि r हमें दिया हुआ है। तो अब इन्होंने बोला है हमें, देखो दिया क्या हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि किसका मान दिया हुआ है हमें, 2πrh बराबर दिया हुआ है हमें 4.4 मीटर का वर्ग। अब इसमें से आपको h निकालना है, r आपको दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या बना, आप 2πrh को क्या लिखोगे, 2 × 22/7 × 0.7, और h हमें पता नहीं, तो h का h, और ये बन गया 0.4, ये h नहीं आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, इसको h मत लिखो, वर्ग मीटर, ठीक है, ये गलत है, 4.4 वर्ग मीटर आ गया। परंतु दिया कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 वर्ग मीटर है, ये हमें दिया हुआ है ना, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो क्या निकलेगा, अगर मैं 2 को 22 से गुणा करूँ तो ये बनेगा, और 7/7 पड़ा है। अब 0.7 को मैं 7/10 लिख दूँ, इधर क्या पड़ा है, 4.4 एच नहीं है, गुणा एच इधर है। अब देखो इस 7 से ये 7 गया, अब ये क्या बन गया, 44/10, और उधर क्या पड़ा है, गुणा एच, और इधर पड़ा है हमारा 4.4 पड़ा है ना। अब 44/10 को भी तो हम 4.4 लिख सकते हैं, तो 4.4h बराबर किसके हो गया, 4.4 मीटर वर्ग के, ठीक है, इसके बराबर हो गया ना। तो ये किसके बराबर आ गया, 4.4 से 4.4 खत्म हो गया, तो h कितना आ गया, 1 मीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, 1 मीटर। तो आप यहाँ पे एक करेक्शन करेंगे, ये h नहीं आएगा बेटा, ठीक है, ये h नहीं आएगा, क्लियर।
उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर टू। जो आपका क्वेश्चन नंबर टू है वर्कशीट में, वो आपका 13.2 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 5 है। देखिए, किसी बेलन आकार स्तंभ का व्यास आपको 50 सेंटीमीटर दिया है और उसकी ऊंचाई 3.5 मीटर दी है, ठीक है। 12.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्तंभ पर वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। बाहर बाहर वाला जो हिस्सा है ना, उसके ऊपर इसका पेंट करवाना है, ऐसे आपको स्तंभ दिया हुआ है। तो 12.50 एक मीटर वर्ग कितने में वो पेंट करते हैं बेटा, 12.50 रुपए में। तो आप सबसे पहले इसका वक्र जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकाल लें। तो सबसे पहले हमें बेलन आकार स्तंभ का व्यास दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, सबसे पहले इसको मीटर में बदलें, 0.5 मीटर, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब बेलन आकार स्तंभ की त्रिज्या आर, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। तो व्यास का हमने मीटर में किया तो 0.5 मीटर, और इसका बटा दो करेंगे तो 0.25 मीटर त्रिज्या आ गई, यानी कि आर बराबर कितना आ गया, 0.25 मीटर, ठीक है। सम की ऊंचाई हमें 3.5 मीटर दी है, तो अब तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 2πRH। 2 की पाई की आर की और एच की वैल्यूज रखो, कितना है, 2 × 22/7 × 0.25 × 3.5 वर्ग मीटर। तो अब इसको कर लो गुणा, अब 2 से गुणा करोगे तो फिर ये 0.5 बन गया, 0.5 को 3.5 से करोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना बन गया, 5.5 वर्ग मीटर। कैसे सॉल्व करना है देखो, ये है 2 × 22/7 × 0.25। अब देखो 3.5 को मैं ऐसे लिख दूँ, 35/10, तो ये 7 × 5 = 35, 5 × 10 ये इससे ख़त्म हो गया। तो बचा क्या, 22 × 0.25, इन दोनों को गुणा कर दो, आपके पास आ गया 5.5 वर्ग मीटर, ठीक है। एक वर्ग मीटर को पेंट करने का व्यय है 12.50 रुपये, 5.5 वर्ग मीटर को पेंट करना है, ठीक है। तो 5.5 × 12.50 कर दो, 68.75 रुपये जो है वो इसका व्यय आएगा, ठीक है, रुपये लगा लेना आगे, इतने रुपये जो है इसका व्यय आएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 है। एक रोलर, ठीक है, का व्यास 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, ठीक है, और बेलन की लंबाई 120 सेंटीमीटर दी हुई है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसको एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमें सेंटीमीटर में दिए हैं, तो सबसे पहले रोलर का व्यास जो है उसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो 100 से इसको भाग कर दो, यानी कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 84/100 कर दो, कितना आ गया, 0.84, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद में ये हमें व्यास दिया था, त्रिज्या निकालोगे तो 0.84/2, तो वो आ गया 0.42 मीटर, ठीक है। और रोलर की लंबाई h हमने निकालनी है, तो वो 120 सेंटीमीटर है, तो उसको क्या करना है, फिर 100 से भाग कर दो, 120/100, 0 से 0 गई, 12/10, यानी कि 1.2 मीटर बन गया, ठीक है। अब आपके पास r दिया हुआ है, आपके पास h दिया हुआ है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRH, तो 2πRH यहाँ से निकाल लो, कितना आएगा, 2 × 22/7 × 0.42 × 1.20, ठीक है। तो अब इसको निकालोगे कैसे, ये जीरो खत्म कर दो, 2 × 22/7, इसको लिख दो 42/100, और इसको लिख दो 120/100, इसकी तो जीरो से जीरो गई, ये 6 पे गया, ठीक है। अब ये 6 पे गया, अब इसको काटोगे तो ये 5 पे गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो और यहाँ से आपका आंसर निकाल लो। अब आंसर निकालोगे तो आपके पास आएगा 3.168 वर्ग मीटर। अब रोलर द्वारा एक चक्कर लगाकर समतल किया गया मैदान का क्षेत्रफल कितना है, ये इतना, ठीक है। तो 500 चक्कर लगा के कितना करेगा, एक चक्कर लगाने में उसने इतना वर्ग मीटर जो है वो इतना क्षेत्रफल कवर किया, तो 500 × 3.168 किया, तो 1584 वर्ग मीटर का जो क्षेत्रफल है वो कर लिया। अतः खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1584 वर्ग मीटर, ठीक है, पता लग गया। मैंने आपको साथ में आपके मैथ के क्वेश्चन भी बता दिए कि कौन सी एक्सरसाइज में से इनको उठाया गया है, तो आप ये पूरा देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका उत्तर है ये। उसके बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर, जो प्रश्न नंबर 5 है आपकी एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है।
उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर एक का उत्तर है जो आपकी प्रश्नावली में जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, इससे बहुत मोटिवेशन जो है वो मिलता है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से अपनी वर्कशीट को पूरा कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।